नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप और आपके लिए लेके एक महत्वपूर्ण वीडियो। वर्तमान समय में कॉटन की बुआई स्टार्ट हो चुकी है और उसी से संबंधित आज का हमारी ये वीडियो रहेगी। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ है प्रगतिशील किसान अनिल जी, जिनकी हमने पहले भी कुछ वीडियो डाली है और आज हम कॉटन की फसल को लेकर विशेष कर ये वीडियो डाल रहे हैं। तो अनिल जी, स्वागत आपका मेरे दर्शकों का। बताइए आपका नाम, परिचय और एड्रेस दीजिए पहले मेरे दर्शकों। नमस्कार जी, मैं अनिल बांबू, सूरतगढ़। ठीक है, तो अनिल जी आप कॉटन की फसल कितने समय से कर रहे हो? काफी टाइम से कर रहा हूँ। काफी टाइम से कर चुके। पिछले साल आपने कॉटन की फसल कितने खेत में लगाई थी? वो पिछली साइड 15 बीघे थी। 15 बीघा थी। तो अनिल जी आप ये बताओ कि इस बार कितने लगाएंगे? 25 बीघे लगा रहा हूँ जी। उसका रीजन क्या रहा कि पिछली बार आपने 15 बीघा लगाए, इस बार आप 25 बीघा लगा रहे हो? पिछली बार जी धोखा रह गया मेरे तो। कैसे? मेरे को अब की बार 12,000 पार बीघा जी। ठीक है, तो अब की बार तो फिर ऐसे है ना, कोशिश ये करूँ मैं 25 से 40 करूँ, पर पानी की ज्यादा किल्लत रहती है ना। ठीक है, क्षेत्र में पानी नहीं है। ठीक है, इस कारण मरबा तो कर ही लेंगे जी। मरबा कर लेंगे। तो अनिल जी आप कौन कौन सी किस्में नरमे की बुआई करते हो? नरमे में जी सारा सर्वोत्तम है जी राशि। अच्छा, और आपा जी बीज यहाँ मंगावा। अच्छा, ये आपने, ये तो आप कह रहे हो राशि, ये एग्रोस्टार है? एग्रोस्टार एप जी ऑनलाइन मंगाए आपनो, पक्को प्रमाणित बिल के सके, शानदार बीज आवे जी। अच्छा, आपने बीज तो राशि का मंगाया लेकिन मंगाया एग्रोस्टार के माध्यम से? एग्रोस्टार के माध्यम से। ठीक है, एग्रोस्टार के मंगाने का कारण क्या रहा इसका? जी बोलो। एग्रोस्टार से आपने जो बीज मंगाया है जी, इससे बीज मंगाने का रीजन क्या रहा? एक तो पक्को बिल आवे। ठीक है, ठीक है, सर्वोत्तम क्वालिटी का बीज है। ठीक है, ठीक है, और किसी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो आपने खेती संबंधित, ठीक है, तो वह आपने टेमो टाइम मिले जी। हर तो रोग को निदान है। ठीक है, आपने कोई बात है, आपने कौन सा मान ला रही फसल संबंधित, ठीक है, मैंने पूछा तो आपने सागर सागर समाधान हुआ। तो ये है आपका राशि 776 जो कि अनिल जी ने मंगाया है। हालांकि बीज राशि का लेकिन मंगवाया एग्रोस्टार से। एग्रोस्टार एक मंगाया है। और ये भी 776 है, ये 773 है, ये भी 773, और ये 653, ये भी 653, और ये 926, ये 926, मतलब सारी वैरायटी आपने राशि की, राशि की, राशि की, राशि की खूब मिलती है आपकी इसके साथ राशि। इसके अच्छी अपनी राशि इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है जी। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर अपने बात करें तो नरमे का झाड़ कितना रहा? नरमे झाड़ जी आपने 8-9 की एवरेज रेज है। ठीक है, तो 8-9 की एवरेज के लिए आपको गाइडनेस कहाँ से मिली अच्छा उत्पादन लेने का? इतना ही तो कारण है जी। ठीक है, यू मंगाना हो मतलब एग्रोस्टार ये रहा है। हाँ जी, तो एग्रोस्टार से आप कितने टाइम से जुड़े हो? एग्रोस्टार से पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ जी मैं। ठीक है, हर तरह का किसी तरह का कोई बीज लेना होता है ना, मैं एग्रोस्टार से लेता हूँ। एग्रोस्टार से लेते हो? हाँ जी। तो घर बैठे बीज भी मिल जाता है? घर बैठे बीज मिलता है जी। ठीक है, ठीक है, एक तो अपने को कोई मार्केट में जैसे बीज की किल्लत आ जाती है, टाइम पे मिल नहीं पाता, तो ये समस्या जी अपने सामने आती नहीं। ठीक है, अनिल जी आप मेरे को ये बताओ, आप राशि के अलावा और कोई वैरायटी भी लगाओगे या सिर्फ राशि ही लगाओगे? सर इसका श्रेय जो जाता है वो एग्रोस्टार की जो डॉक्टर की टीम है ना, उस टीम को जाता है। कैसे? उसका कारण ये रहता है सर, वो अपने क्षेत्र में जैसे उन्होंने मिट्टी के लिए बताया, इसमें भी देखो सर आप ये 3-4 किस्में है ना, 926 है, 773 है, तो वो अपने बताते हैं ये आपके क्षेत्र के लिए ये ठीक रहेगा, मतलब वो मिट्टी तो के अनुसार, मिट्टी के अनुसार। ठीक है, मिट्टी वातावरण के अनुसार जैसे उन्होंने बता दिया, तो उनकी अनुभवी टीम है। ठीक है, तो जो अपने 8-9 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से जो उत्पादन उठा रहे हैं, इसका श्रेय एग्रोस्टार की डॉक्टर की टीम को ही जाता है जी। ठीक है, तो आप बाकी जो मेरे दर्शक देख पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, उन्हें कैसे कहोगे कि भाई एग्रोस्टार से कैसे वो जुड़े, कैसे उन्हें लाभ लें, और इसका खर्चा कितना लगेगा? देखो सर इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, क्योंकि मोबाइल आजकल हर कोई यूज करता है, इंटरनेट सब में फ्री है, प्ले स्टोर के माध्यम से अपने एग्रोस्टार जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और आपने किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उन्हें नंबर दिया हुआ है, उनसे अपने संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और उनको अपने फसल में किसी तरह की कोई बीमारी आ रही है तो उसकी फोटो खींच के उन्हें सीधे अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने को वो देख के सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, और ये सब जानकारी किसान कहीं न जाके अपने घर बैठे प्राप्त कर सकता है, तो इससे सरलतम चीज तो क्या हो सकती है मेरे हिसाब से, तो
इससे सरलतम तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी का ये कहना है कि अगर आप घर बैठे जानकारी लेना चाहते हैं तो एग्रो स्टार के माध्यम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके या उनके एग्री टीम से कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, और फसलों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं आप उसकी फोटो खींचे ऐप में अपलोड करें या व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे भी आपको सहूलियत रहे आप उनसे पूछ सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आशा करूंगा आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर वीडियो महत्वपूर्ण रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।